हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंजरीज टू जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स एंड टेंडन्स। इनमें कौन कौन सी इंजरीज होती है, इसे कैसे डायग्नोज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या है एंड हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंजरीज टू जॉइंट्स, जॉइंट्स में हमें सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। सबलक्सेशन में क्या होगा, आर्टिकुलर सर्फेसिस आर पार्शली डिसप्लेस्ड। जो आर्टिकुलर सर्फेस है बोन की, वो थोड़ी सी खिसक जाती है, थोड़ी डिसप्लेस्ड हो जाती है। ठीक है, बट कुछ कॉन्टेक्ट वहाँ पर रहता है दो बोन्स के बीच में। ठीक है, मतलब हल्का सा साइड पे चले जाना बोन का, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सबलक्सेशन। ओके, डिसलोकेशन, आर्टिकुलर सर्फेसिस आर सो मच डिसप्लेस्ड, वो पूरा दो बोन जो है जॉइंट के, वो पूरे अलग हो जाते हैं, उसे हम बोलेंगे डिसलोकेट हो गए। ठीक है, डिसलोकेशन ये एक एमरजेंसी कंडीशन है और हमें ये जल्द से जल्द इसे ट्रीट करवा देना चाहिए। ठीक है, सो अब आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम के अंदर आपको पता चल रहा होगा ये ऊपर नॉर्मल जॉइंट है। ठीक है, एंड ये सबलक्सेशन का देखो, यहाँ हल्का सा खिसक गया है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सबलक्सेशन। ठीक है, बोन थोड़ा सा खिसक चुका है। एंड इधर देखो डिसलोकेशन, ये दोनों ही बोन्स पूरे अलग हो गए हैं, डिसलोकेट हो गए हैं, उसे हम बोलेंगे डिसलोकेशन। ठीक है, इंजरीज टू लिगामेंट्स, जब लिगामेंट्स में इंजरी होगी उसे हम बोलेंगे स्प्रेन। लिसन इट केयरफुली, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एंड जब मसल या फिर टेंडन में इंजरी होती है उसे हम बोलेंगे स्ट्रेन। ठीक है, सो लिगामेंट की इंजरी को हम स्प्रेन बोलते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रेन, इसमें 3 ग्रेड्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं सीवियरिटी के ऊपर। अब ये टेबल देखो, हम इसमें डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, इम्पेयरमेंट मतलब कितना डैमेज हुआ है लिगामेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ग्रेड 1, ओनली फ्यू कोलेजन फाइबर्स टियर, थोड़े से ही फाइबर्स टूटेंगे। ठीक है, हल्के से। एंड इम्पेयरमेंट मिनिमल, ठीक है, थोड़ा सा डैमेज होगा। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग की बात करें तो थोड़ा टेंडरनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगा। टेंडरनेस मतलब पेन सेंसिटिविटी, मतलब जब उस एरिया को टच करेंगे तो वहाँ पेन होगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे टेंडरनेस। ट्रीटमेंट की बात करें तो वेट बियर करेगा जितना उसे टॉलरेट होता है और फिजिकल थेरेपी ले सकता है वो। ठीक है, ग्रेड 2, कंप्लीट टियर ऑफ सम बट नॉट ऑल कोलेजन फाइबर इन द लिगामेंट, कंप्लीटली टियर हो जाएंगी कुछ लिगामेंट्स बट सारी लिगामेंट्स नहीं। ठीक है, इम्पेयरमेंट मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट टेंडरनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी, मोमेंट डिक्रीज हो जाएगी, पॉसिबल इंस्टेबिलिटी, थोड़ा इंस्टेबल हो जाएगा, ट्रीटमेंट इमोबिलाइज कर देंगे विथ एयर स्प्लिंट और फिजिकल थेरेपी। ठीक है, ग्रेड 3, कंप्लीट टियर और रैप्चर ऑफ लिगामेंट, पूरा लिगामेंट टूट जाएगा तो ऑब्वियसली सीवियर होगा डैमेज। ठीक है, सिग्निफिकेंट टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, वो टच भी नहीं करने देगा पेशेंट आपको उस एरिया पे क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा उसे। ठीक है, ट्रीटमेंट इमोबिलाइजेशन, फिजियोथेरेपी, पॉसिबल सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सर्जरी नीडेड हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हमें वहाँ उस पार्ट पे स्वेलिंग टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, एकाइमोसिस मतलब डिसकलरेशन ऑफ स्किन, क्यों होगा, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है, उसे हम बोलेंगे एकाइमोसिस। ठीक है, हेम अर्थ्रोसिस, जब सेकेंड या थर्ड डिग्री स्प्रेन हुआ हो तो विद इन 2 आवर्स हेम अर्थ्रोसिस हो जाता है। हेम अर्थ्रोसिस मतलब जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही होगी जिसकी वजह से ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे MRI करवाएंगे। एक्सरे क्यों करवाएंगे, वेदर द इंजरी इज एसोसिएटेड विद ब्रोकन बोन, मतलब इंजरी के साथ कोई फ्रैक्चर वगैरह या फिर कुछ भी हुआ है वो देखने के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट, राइस प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, R4 रेस्ट करवाएंगे इंजर्ड पार्ट को,
आई आइसिंग करेंगे, सी कंप्रेशन बैंडेज यूज़ करेंगे, ई एलिवेशन करेंगे, एलिवेट करेंगे इंजर्ड पार्ट को पिलो के ऊपर, ठीक है, फिर आइसिंग वगैरह कर सकते हैं। सिटिंग पोजीशन में है तो भी हमें इंजर्ड पार्ट को एलिवेट करके ही रखना है, ठीक है। मेडिकेशन के अंदर हम एनल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ करेंगे, एनल्जेसिक पेन के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन के लिए, इतना फर्स्ट डिग्री स्प्रेन के लिए इनफ है। सेकेंड या थर्ड डिग्री स्प्रेन हुआ उसे हम इमोबिलाइज करेंगे ब्रास या फिर प्लास्टर कास्ट के साथ 1 to 2 weeks के लिए पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के लिए इमोबिलाइजेशन के लिए प्लास्टर कास्ट एडवाइस नहीं करेंगे, डेंजरस हो सकता है। थर्ड डिग्री स्प्रेन में सर्जरी में रिक्वायर, ठीक है। इंजरीज टू मसल्स एंड टेंडन्स, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सडन ट्रोमा, ओवर यूज, रिपीटेटिव स्ट्रेस, ठीक है। मसल इंजरीज में हमें स्ट्रेन एंड कंट्यूजन देखने मिलता है। स्ट्रेन को हम पुल्ड मसल भी बोल सकते हैं। ये कब होता है? जब मसल के फाइबर टीयर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कैसे टूटते हैं? ओवर स्ट्रेचिंग या फिर फोर्सफुल कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। स्ट्रेन के भी 3 grades हैं, डिपेंड करते हैं कितना मसल टीयर हुआ है, कितना टूटा है, ठीक है। Grade 1 स्मॉल टीयर, माइल्ड, ठीक है, स्ट्रेचिंग की वजह से हो सकता है। रिकवरी टाइम 7 to 21 days लग सकते हैं। लिमिटेशन, स्लाइट फंक्शनल एक्टिविटी में लिमिटेशन होगी, ठीक है। Grade 2 लार्ज बट इनकम्प्लीट टीयर, ठीक है, मॉडरेट टीयर बोल सकते हैं इसे, ठीक है। 2 to 3 months लेगा ये रिकवरी में, एंड मॉडरेट फंक्शन लिमिटेशन, ठीक है। थर्ड ग्रेड के अंदर कम्प्लीटली टीयर हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा मसल, एकदम सीवियर, ठीक है। 6+ months लग सकते हैं सर्जरी के साथ, ठीक है। लॉस ऑफ फंक्शनल एंड स्टेबिलिटी, लॉस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी, पूरे फंक्शनल कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंट्यूजन, जिसे हम कॉमनली ब्रूज बोलते हैं, ये कैसे होता है? मसल के ऊपर जब डायरेक्ट इम्पैक्ट या फिर ट्रोमा पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती है और ब्लड को वो ट्रोमा पुल करता है विद इन द टिश्यू, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ब्रूज। टेंडन इंजरीज में हमें टेंडनाइटिस एंड टेंडन टीयर देखने मिलेगा। टेंडनाइटिस में क्या होता है? टेंडन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है रिपीटेटिव मोशन या ओवर यूज की वजह से, जिसे हम टेंडनाइटिस बोलेंगे, जो कोज करेगा पेन, स्वेलिंग एंड लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया। टेंडन टीयर पार्शियल या फिर कंप्लीट हो सकता है, जो सडन ट्रोमा या फिर डीजनरेशन की वजह से होता है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल, रोटेटर कर्व टीयर इन शोल्डर एंड एक्लिस टेंडन टीयर इन एंकल। डायग्नोसिस, अब हम इसे कैसे डायग्नोस करेंगे? मेडिकल हिस्ट्री लेंगे हम उनकी, उसमें सिम्टम्स, कैसे स्टार्ट हुआ, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट जिसकी वजह से ये इंजरी हुई, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जो अफेक्टेड एरिया है उसे असेस करेंगे, उसकी रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, टेंडरनेस देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे एंड एनी अदर साइन, और उसे अनअफेक्टेड एरिया से भी कंपेयर करेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एक्सरे करवाएंगे ताकि हम बोन फ्रैक्चर देख सके और असेस कर सके अलाइनमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग करवाएंगे ताकि हम सॉफ्ट टिश्यूज लाइक मसल एंड टेंडन की एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट कर सके, जैसे कि टीयर या फिर इन्फ्लामेशन। MRI कराएंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो हमें प्रोवाइड करती है एक डिटेल्ड इमेज सॉफ्ट टिश्यू की, जिससे हमें एकदम क्लियरली सब पता चल जाता है, ठीक है। फिर कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं जिसमें हमें EMG करवानी पड़ती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ताकि हम असेस कर सकें नर्व के फंक्शन एंड ब्लड टेस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट, राइस प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, रेस्ट करवाएंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन,
कंप्रेशन करेंगे, ठीक है, एलिवेशन करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ताकि इन्फ्लामेशन ठीक हो जाए, फिजिकल थेरेपी जो प्रमोट करेगा हीलिंग को, रिगेन करवाएगा स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सीवियर केसेस में सर्जरी में नेसेसरी। सो यहाँ हमारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होता है ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा का, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर विथ एपोनिम्स, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इंजरीज टू जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स एंड टेंडन्स कवर किया है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इफ़ आपने आगे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाकर देखें। होप आपको सब क्लियर हुआ हो, समझ आया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड या इफ़ आपको सच्ची में ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक छोटा सा हार्ट भी आप ड्रॉप कर दोगे ना कमेंट में, दैट इज़ होलसम फॉर मी, ठीक है। सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई सुनता है, मेरी वीडियोस के थ्रू कोई स्टडी करता है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो एक छोटा सा हार्ट सो मुझे पता चलेगा या समवन इज़ देयर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।